एक रुका पड़ा हुआ था तो कब्रे वगैरह फाड़ रहा था वो कर देंगे जिस तरह से वहां देख रहे हैं आप। तो देखिए वसीम भाई बड़े सफाई कर दी और हमारे हाफिज साहब भी आए हुए हैं साथ। तो देखिए गाइस ये वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ गांव की इस कब्रिस्तान क्लीनिंग आज। तो दोस्तों आज सफाई पूरी कम्प्लीट होगी। स्वागत है आपका हमारे आज व्लॉग में। तो गाइस देखिए मैं आया हूँ आज अपने गाँव के कब्रिस्तान में और अपना गाँव कब्रिस्तान दिखाऊंगा और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो दोस्तों मरने के बाद भी देखे सब हर एक को यहाँ आना है और जो कब्रिस्तान है देख किस तरह से यहाँ सफाई की हुई है और देख कब्रिस्तान में जहाँ पे जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर भी किस तरह से बनाया हुआ है देखिए। और यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं जो यहाँ पर सफाई करते हैं डेली, हर जुमे के दिन जो है यहाँ पर सफाई होती है और यहाँ पर कुछ गाँव के बच्चे मोहल्ले के बच्चे आए हुए हैं जो सफाई कर रहे हैं देखिए और दिखाते हैं कब्रिस्तान किस तरह से साफ कर दिए गए हैं। मतलब कि ये हर एक गाँव में जो कब्रिस्तान है भाई जो मेरी वीडियो देख रहा होगा देखिए अपने गाँव के कब्रिस्तानों को साफ सुथरा रखिए और हम भी दिखाते हैं देखिए हमने हमारे गांव के जो कब्रिस्तान है वहां पे जो बच्चे आए हुए हैं किस तरह से मैं देखे गांव के कब्रिस्तानों की सफाई करते हैं। तो आज ये अपने पूरे व्लॉग में मैं आपको अपने गांव के कब्रिस्तान दिखाऊंगा और देखे यहां से शुरू होता है ये इधर मेरा गाँव है इस ओर मेरा गाँव है यहाँ पे मेरा गाँव जो है काफी बहुत बड़ा गाँव है। कुछ गाँव पुहाने की साइड में है और कुछ गाँव जो है देखे मेरा ये दिख रहा होगा इस साइड आपको ये पूरा गाँव है। तो गांव से हटके कुछ जंगल में जो है हमारे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में जो सफाई की गई है वो इतनी बेहतरीन सफाई की गई है कि गांव के जो बच्चे हर जुमे के दिन यहां पर आते हैं और वो गांव के कब्रिस्तानों की सफाई करते हैं और आज पूरा गांव के जो कब्रिस्तानों की सफाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज कंप्लीट क्लीनिंग का जो सफाई की तो हम वो पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये इधर से मेरा गाँव का रास्ता है देख सकते हैं आप यहाँ से देखे यहाँ से आते हैं और देखे आपको मेरा गाँव दिख रहा होगा इस साइड और यहाँ से आकर के देखिए ये फिर यहाँ पर देखे यहाँ नमाज होती है ये यहाँ पर देखे पैड़ी बिछा दी गई है ईंटें बिछाई हुई है देख सकते हैं आप और ये जो बारिश वगैरह से बचने के लिए जो कुछ छाया किया हुआ है। तो आइए लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं अपने गांव के कुछ कब्रिस्तान और वो बच्चे भी दिखाएंगे वो लड़के दिखाएंगे जो यहाँ पर सफाई करते हैं हर जुमे के दिन और आज वो सफाई कम्प्लीट हो चुकी है। तो मेरी गुजारिश है आप सभी गाँव वालों से जो मेरी वीडियो देख रहा होगा आप भी अपने गाँव की सफाई करिए हफ्ते में एक बार करिए और किसी इसी तरह ही आपके भी कब्रिस्तान एक महीना दो महीने में वो साफ हो जाएंगे झाड़ वगैरह जो पेड़ वगैरह जो खड़े हुए हैं कांटे वगैरह वो सब साफ हो जाते हैं। तो हम भी दिखाते हैं अपना गांव कब्रिस्तान कि हमने किस तरह से यहाँ पर ये क्लीनिंग कर दी है। आइए तो दोस्तों आज सफाई पूरी कंप्लीट होगी भाई पूरी सफाई कंप्लीट कर दी भाई बच्चों ने छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए माशाल्लाह और ये देखिए आप। तो चलो ठीक है आज दिखाते हैं सफाई पूरी। तो भाई देखिए ये जो दिखा रहे हैं हम आपको ये कुछ नए कब्रिस्तान है हमारे गाँव के ये नए जो अभी छोटे थे यहाँ पर पेड़ वगैरह देखे आपको दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ये नए ही मौजूदा हालात में ये कब्रिस्तान बनाए गए हैं और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कब्रें भी कुछ बहुत कम हैं। तो ये देख रहे हैं आप इधर ये देखिए एक पंचवटी कंपनी है जो आप देख सकते हैं और इसकी बाउंड्री भी देख कितनी ऊँची ऊँची है आप देख सकते हैं इस साइड और वहाँ से हम आए हैं उधर देखें वो बच्चे सफाई करके वहाँ खड़े हैं सब। तो आप देख सकते हैं जो पुराने कब्रिस्तान है दिखा देखिए सफाई देखिए आप किस तरह से कर दी गई है और ये नए कब्रिस्तान भी हम आपको दिखाएंगे जो पुराने हैं वो भी दिखाएंगे ये नए कब्रिस्तान है देखिए आप। तो आपको लेके चलते हैं तो देखिए काफ़ी बहुत पुराने पुराने पेड़ भी हमारे कब्रिस्तान में खड़े हैं और ये पुराने कब्रिस्तान उस टाइम के और जुमे के दिन यहाँ पर सफाई करते हैं देखिए कुछ और भी आदमी वहाँ सफाई कर रहे हैं वहाँ भी लेके चलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पर दो सरकारी नलके हैं एक तो यहीं इस साइड है ये यहाँ का लास्ट जो कब्रिस्तान है उसके यहाँ पर है और एक जो सरकारी नलका है एक सरकारी नलका उस साइड रख दिया गया है वहाँ पर देख सकते होंगे आप ये वो दिख रहा होगा आपको वहाँ वो सरकारी नलका है एक और एक सरकारी नलका देखे ये हैं यहाँ पर और देखें ये हैं हमारे गांव के वो पुराने कब्रिस्तान देखिए आप देख रहे होंगे पेड़ों से ही पता लग गया होगा कि पेड़ वगैरह किस तरह है यहाँ पर और ये हमारे पूरे कब्रिस्तान है पुराने आइए दिखाते हैं आपको देखिए और यहाँ पर कब्रें काफ़ी मिलेगी आपको यहाँ पर देखे कब्र वगैरह जो है काफ़ी है और देख सकते हैं आप कि ताज़ी ताज़ी कब्रें बनाई गई हैं ये देखें यहाँ पर और सफाई सफाई देखिए आप किस तरह सफाई कर दी गई है हमारे गांव की देख सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत कूड़ा था तो हर जुमे के दिन जैसा भी जिसका वक्त लगता है तो वो आकर के यहाँ सफाई कर देता है। तो देखिए आज पूरी कंप्लीट हो चुकी है हम आपको आज अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं कि हमारे गाँव के जो बच्चे थे जो जवान थे कुछ उन्होंने यहाँ पर हर हफ्ते वारी यहाँ पर सफाई करते हैं और जैसे ही जिसका वक्त लगता है वो भी आकर के सफाई करता रहता है तो देख सकते हैं आप देखिए और ये ताज़ी मौजूदा कब्रें हैं ये देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए सफाई कर दी गई है पूरी तरह से और कुछ सफाई उधर भी हमारे भाई कर रहे हैं तो वहाँ भी लेकर चलते हैं आपको दिखाते हैं देखिए और पेड़ वगैरह देख सकते हैं आप हमारे यहाँ कब्रिस्तानों के देखिए। तो दोस्तों हमने जो कब्रिस्तान हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारे गाँव के ये पुराने वाले कब्रिस्तान हैं
और ये पुराने जो कब्रिस्तान है देखिए यहाँ पर सफाई हो चुकी है। यहाँ पर फिरने का इस तरह से कोई हिसाब भी नहीं था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े झाड़ वगैरह खड़े थे। तो वो हफ्ते वारी जो हमारे गांव के जो दिखाए आपको बच्चे वगैरह और हम भी खुद आए भी यहाँ सफाई करने के लिए, और आज कंप्लीट आपको वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी सफाई। और आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर कुछ कब्रें हैं और काफ़ी, और भाई मरने के बाद हर किसी को यहाँ पर आना है। ये आखिरी घर है हर किसी का, वो चाहे कहीं भी घूम ले हिंदुस्तान के या किसी इस पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने कोने में घूम ले, लेकिन ये जो है उसका आखिरी घर होता है। तो ये हम आपको आखिरी घर दिखा रहे हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी हम लड़ते रहते हैं किसी के साथ में कि ये मेरी ज़मीन है, वो है, तो कुछ नहीं है भाई, सिर्फ 4 या 5 फुट की ज़मीन मिलती है, जो भी कुछ है वो हमारी होती है। दिखा सकते हैं, देखिए किस तरह से कब्र होती है। और ये देखिए इतनी सी जगह मिलती है इंसान को मरने के बाद, और ये उसका आखिरी घर होता है। तो आइए दिखाते हैं पूरे कब्रिस्तान अपने, देखे पूरी किस तरह से यहाँ पर बना दी गई है सफाई। देखिए इतने बड़े बड़े झाड़ वगैरह खड़े थे, ये देख रहे हैं आप, ये सब हटा दिए गए हैं। और देखे पेड़ों के थांवले बना दिए गए हैं, ये आम के पेड़ हैं, इन पर जो है आम आएंगे, देख रहे हैं आप। और ये देखिए पानी के थांवले बना दिए गए हैं, और बेहतरीन हिसाब से जो है सफाई का ध्यान रख दिया गया है, देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए हमारे गाँव के कब्रिस्तान काफ़ी बड़े हैं माशाल्लाह, तो देख रहे हैं यहाँ, तो पूरा हमारा गांव 5000 वोट है हमारे गांव की, तो आप देख सकते हैं आबादी कितनी होगी। और ये भी देखिए आप, और यहाँ पर देखिए कब्र कितनी सफाई से यहाँ पर कर दी गई है, बहुत ध्यान रखा गया है इस साल हमारे गांव के कब्रिस्तानों का। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी आखिरी जगह होती है, आखिरी निशानी होती है ये हमारी। तो ये पूरा ये देखता हमारा जो लास्ट जो हमारा घर है वो ये है। और देख सकते हैं आप कि हमारे कुछ इधर सफाई रह गई थी, तो वह इधर की जो सफाई रह गई थी वह आज हम यहाँ भी कंप्लीट कर देंगे। कुछ इधर थोड़ा पत्ते वगैरह पड़े हैं वो भी हम साफ कर रहे हैं, तो हम इस तरह से क्लीन कर देंगे जिस तरह से वहाँ देख रहे हैं आप। तो देखिए कुछ भाई आए हुए देख हमारे, वो भी साफ कर रहे हैं, और देख सकते हैं आप, देख चलते हैं। तो उस साइड से तो कर दी सफाई, अब इस साइड से थोड़ी रह रही है। और ये हमारे गाँव की कब्रिस्तान है जो आज सफाई कम्प्लीट हो चुकी, करीबन 2 महीने लगे सफाई को करने में। देखिए यहाँ पर आम के पेड़ के थांवले बना दिए, और इन पर जो है ना आम आएंगे, तो इस साल ये भी ठेके पर दिया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। ये पेड़ देखे कितने बड़े बड़े पेड़ है हमारे यहाँ के, आप देखिए देख ये पुराने कब्रिस्तान है हमारे गांव के, और नए कब्रिस्तान उधर हमने दिखा दिए थोड़े, उन पर पेड़ नहीं है। तो देखे सफाई कर रहे हैं भाई, तो देखे वसीम भाई भी सफाई कर रहे हैं भाई, देख देखे ये बेचारे उसमें आए अपनी रिक्शा में बैठ कर, देखे वहाँ से वो खड़ी। और वसीम भाई जो है देखे यार हमारे गांव के जो जवान है ना उनमें कितना जज्बा सफाई का कब्रिस्तानों के प्रति इस साल हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए वसीम भाई ने देखे सारा कुबार जो है चुन दिया इसका, देख सकते हैं ये देखिए। और वाकई भाई वसीम भाई बड़े सफाई कर दी, और हमारे हाफिज साहब भी आए हुए हैं साथ में। तो देखिए जुमा, आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन जो है हर हफ्तेवारी हम यहाँ आते रहते हैं, तो बहुत बढ़िया भाई वसीम भाई आज, और उधर से भी हमने सफाई करवाई बच्चों से, और आज कंप्लीट होगा माशाल्लाह। और देख सकते हैं आप ये हमारे गांव के पुराने कब्रिस्तान है, देखिए आप। तो इधर ये पंचवटी कंपनी है, और इसकी दीवारें देखिए कितनी ऊंची ऊंची है। तो जब यहाँ घास फूस था ना, तो यहाँ जो है ना एक जानवर आता था, वो जानवर जो है वो कब्रों को फाड़ता था, उसका नाम कब्र फाड़ या कब्र बिज्जू कहते हैं उसे, है तो कब्र बिज्जू आता था। तो उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब एक रुका पड़ा हुआ था, तो कब्रें वगैरह फाड़ता था वो, जैसे किसी बच्चे की मौत हो गई उसको दफना दिया तो वो वहां से कब्रें फाड़ देता था। तो वो जो था वो झाड़ झूड़ से जो उनमें वो लुक जाता था, वो दिखता नहीं था, तो इसलिए फिर यहाँ पे सफाई करनी जरूरी पड़ी। तो आप देख सकते हैं हमारे गांव कब्रिस्तान, हमें फिर ये सफाई करनी पड़ी। अब यहाँ पर किसी तरह की कोई किसी जंगली जानवर का कोई डर नहीं है, और यहाँ पर सब कुछ सेफ है, देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा हो रहा है भाई, ठीक है भाई। और आज सफाई देखिए आप, पूरे कब्रिस्तान घुमा देते हैं हम आपको एक बार, देखिए आप। और ये हमारे गांव के ये पुराने पेड़ है, जो हमारे जो बुजुर्ग है जो यहाँ पर दफने बेचारे, उन्होंने ये कभी पेड़ लगाए थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं उन्होंने ये पेड़ लगाए थे, और इन पेड़ों का जो फायदा आज हम उठा रहे हैं। और अब हम कुछ यहाँ पर लगाएंगे या सफाई कर रहे हैं या और कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उनका फायदा जो है हमारी औलाद उठाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे दादा परदादा उन्होंने ये पेड़ लगाए थे यहाँ का आम के, और इनका अब ध्यान रखा जाएगा, पानी वगैरह भी दिया गया है इन पे, और खाद वगैरह गिरी जाएगी, तो इस साल जो है कोहरा आएगा इन पे माशाल्लाह। और ये कब्रिस्तान के पेड़ है हमारे पुराने कब्रिस्तान, और नए कब्रिस्तान उस साइड हमने आपको दिखाए। तो गाइस ओके मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमने आपको अपने गांव के कब्रिस्तान दिखाए, और आप देख सकते हैं कि जो आज की जनरेशन है जो नए युवा है हमारे, वो किस तरह से कब्रिस्तानों में आते, देख सकते हैं आप। इस वक्त जो है कोई कहीं घूमता फिरता कोई मार्केट में कहीं, तो आज हम आए
जुमे के दिन जुमा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान में, और वसीम भाई देखे अभी हटा हट नहीं रहे, वो देखे लगे पड़े हैं आपको। हमने जो है ना अपना गांव कब्रिस्तान दिखाए, और हमारे गांव के जो कब्रिस्तान है काफी लंबे चौड़े हैं, जहां पर जो है सफाई हर कोई जो मेरी वीडियो देख रहा होगा मेरा भाई, वो भी अपने गांव के कब्रिस्तानों की सफाई इसी तरह से करे। तो यहां पर जंगली एक छोटा सा जानवर होता है, वो हमने देखा तो नहीं लेकिन उनके बारे में सुना है, और कब्र भी वो फाड़ता था तब हम देख रहे थे, तो बहुत दिक्कत होती थी जो यहाँ पर हमारे गांव के जो हमारे ही भाई बाप दादा परदादा भाई बहन जो भी यहाँ पर दफनाए जाते थे उनकी वो कब्रें फाड़ता था, और उनको भाई वो अंदर घुस जाता था कब्र में, तो ये सही नहीं है। तो वो लुक जाता था कि झाड़ झूड़ में, तो ये सफाई करनी जरूरी इसलिए पड़ी हमें। और अपने गांव के कब्रिस्तान हो या हिंदू भाइयों के वो जहां पर वो अपने मुर्दों को भूखते हैं वो हो, तो साफ सफाई करनी जरूरी होती है। तो ये देख सकते हैं आप आज कम्प्लीट होगी, और वसीम भाई देखे अब तक भी सफाई कर रहे हैं, तो माशाल्लाह। और हम हफ्तेवार यहाँ पर आते रहते हैं और ध्यान रखते हैं, और अब की बार जो है इन पेड़ों का भी ध्यान रखा गया है। तो अब की बार देख सकते हैं आप कि इन ये आम के पेड़ है, इन पर ये पिछले साल कोई फंड नहीं आया, ध्यान नहीं रखा गया, तो अब की बार यहाँ पर ध्यान रखा गया। तो आपको हमने अपने गांव कब्रिस्तान दिखाए, तो आप जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है वो भी प्लीज अपने गांव के जो कब्रिस्तान है उनकी साफ सफाई रखे, उनका ध्यान रखे। तो गाइज मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और आप देखते रहिए हमारा राशिद मलिक व्लॉग्स। तो गाइज मिलते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज होने वाला है, बस थोड़ा सा वॉच टाइम रह रहा है, तो प्लीज यार थोड़ा मेरा साथ दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज अपना रखिए ध्यान, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने गांव के कब्रिस्तान हो या वो हिंदू भाइयों के वो जहां पर वो भी अपने मुर्दों को दफनाते हैं वो हो चाहड़े वगैरह, तो उनको भी वो अपने सुरक्षित रखे, ध्यान रखे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।